इस फिल्म का निर्माण वैशाली जिले के तीन मौसम सक्षम कृषि गांव राजा पाकर, भत्तादासी और मुकुंदपुर सरसाई के किसानों द्वारा अपनाई जा रही नई और वैज्ञानिक कृषि विधि पर आधारित है। ये फिल्म जलवायु विज्ञान, पर्यावरण और कृषि अभियान की एक श्रृंखला को दर्शाती है। CCAFS परियोजना का उद्देश्य है कि नई तकनीक और सटीक जानकारी से किसान इतना समर्थ बन पाए कि बदलते जलवायु परिवर्तन और भविष्य के अनिश्चित मौसम में वे सफलता से खेती कर सके। चार नंबर ये लीव चार्ट आ जाने से हम लोग को पूरा पूरी ये संतुष्ट हो गए हैं, जो इसमें ये संकेत कर देता है जो किसमें 1 किलो डालना है, किसमें 1/2 kg डालना है और किसमें नहीं डालना है। फायदा तो है जो धान पीला भेल है तो देम तो पेड़ बड़ा हो, बाल बड़ा हो। धान कोई भी फसल को उपजाने में लागत कम आएगी और यूरिया का बचत होगा, नाइट्रोजन हम बचत करेंगे। देखा गया है कि गलत फहमी के चलते काफी किसान अधिक उत्पादन के लिए नाइट्रोजन खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं, लेकिन अधिक व कम नाइट्रोजन का प्रयोग फसल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः फसल के लिए सही नाइट्रोजन की खुराक के लिए हरे पत्ती चार्ट, जिसे अंग्रेजी में लीफ कलर चार्ट कहा जाता है, प्रयोग करें। धान व मक्के की पत्ती की रंग को मिलाकर नाइट्रोजन खाद का सही प्रयोग करना चाहिए। इसमें बेसिकली हम 10 पौधे को सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें क्या होता है, उस प्लॉट के हर 10 पौधे को हर 7 दिन के इंटरवल पे या 10 दिन के इंटरवल पे हम ये प्रोग्राम करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि पौधे को नाइट्रोजन की कितनी अनिवार्यता है। 2 किलो में पहला में जो पीला रह लाए, वो कारण प्रथम लग लाए तो पीला रह लाए, आ ये में 1 किलो, तीसरका में 1/2 किलो, चौथा वाला में 1/2 किलो, आ ये में कैल्शियम आ गई, हरियरी हो गए, फुटने गभा पर आ गए, तो ये में न पड़ल। फायदा तो भेलै जे वजन भेलै, मनी भेलै, आ अन्ना ई न मिलतिए, न देखतिए, तो में खाद देते जाइए तो गजह का गिर जाते तो हानि होते, आ ई मिला कर देवे से फायदा भेलै। लीफ कलर चार्ट है मेरा 5 नंबर 6 नंबर किस तरह से उपयोगी बनेगा, और 1 नंबर 2 नंबर है उससे हमको था लगता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो हम इसको 5 नंबर बनाने के लिए यही चार्ट की ज़रूरत है, और उसमें हम कितना खाद चाहिए वह खाद डालना जरूरी है।